हे गाइस, दिस इज मी सौरभ। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर गाइस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे कुछ टिप्स जिसका आप यूज़ करके जिम के अंदर इंजरी प्रिवेंट कर सकते हो। मगर गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस, आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहला टिप गाइस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस, वो बहुत बेसिक है, वो है स्टॉप ईगो लिफ्टिंग। आपको ईगो लिफ्टिंग कभी भी नहीं करनी जिम के अंदर। गाइज लुक, जब भी जिम में ट्रेन करते हो तो ये ध्यान में रखो कि आप जिम में जब भी जा रहे हो, आप अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए जा रहे हो, ना कि बॉडी से वेट को लिफ्ट करने के लिए। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप जो भी मसल ट्रेन कर रहे हो, आप उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लिफ्ट करोगे। अगर मेरे मसल बाइसेप में ट्रेन कर रहा हूँ तो मतलब वो छोटा मसल है, स्मॉलेस्ट मसल ग्रुप है वो, तो गाइज इसलिए मैं उससे कम वेट लिफ्ट करने की कोशिश करूँगा। और जो मेरा बैक मसल है वो क्योंकि एक लार्जेस्ट मसल ग्रुप है तो मैं उससे ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की कोशिश करूँगा, मगर अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि ज़्यादा वेट के मतलब ये है कि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की कोशिश करूँ जो मेरा मसल उठा भी ना पाए। तो सबसे पहला टिप गाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्टॉप ईगो लिफ्टिंग। काफ़ी लोग ईगो लिफ्टिंग कर रहे होते हैं। आप जो भी जिम में जाते हो, अपना सर घुमा के देखना, इधर उधर देखना, तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर लोग बस लिफ्ट कर रहे होते हैं, ट्रेन नहीं कर रहे होते। अपने मसल को वो फील भी नहीं कर पाते, उनको ये भी नहीं पता कि माइंड मसल कनेक्शन क्या होता है। तो गाइस इसलिए जब तक आप अपने मसल को फील नहीं करोगे, उससे ही वेट को लिफ्ट नहीं करोगे, तो आपका मसल ट्रेन नहीं होगा, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ नहीं होगी, आपका लुक अच्छा नहीं बनेगा, आपका मसल ग्रो नहीं होगा। तो गाइस सबसे पहला टिप है कि स्टॉप ईगो लिफ्टिंग। और गाइज इसके साथ ही मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर कर रहा हूँ कि जो छोटे मसल ग्रुप होते हैं जैसे कि बाइसेप, शोल्डर्स या फिर आपके काफ्स मसल ग्रुप, तो गाइज इससे आप कोशिश करे करो इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ ज़्यादा मत बढ़ो। मतलब ये कि छोटे मसल ग्रुप होते हैं तो ये ज़्यादा वेट बियर नहीं कर पाते, और आप ज़बरदस्ती इनसे वेट बियर करने की कोशिश करोगे तो इन पे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को बाइसेप टियर या फिर शोल्डर की इंजरी ज़्यादातर होती है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं इन मसल ग्रुप से ज़्यादा वेट मूव करने की। तो आप क्या करो, इन मसल ग्रुप पे एक लिमिटेड वेट के साथ इनके साथ ट्रेन करो, मगर इनके साथ हाई इंटेंसिटी टेक्निक्स अप्लाई करो, जैसे कि सुपर सेट्स, क्लस्टर सेट्स, ड्रॉप सेट्स, ऐसे ऐसी हाई इंटेंसिटी टेक्निक अप्लाई करो जिससे आपके ये मसल हाईएस्ट वे पे एफर्ट कर पाए, मगर हेल्दी वे में। दूसरा टिप गाइस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है टेकिंग रेस्ट बिटवीन द सेट्स। आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का सेट अपने वर्किंग सेट्स में जरूर लेना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भागने में लगे रहते हैं, 30 सेकंड रेस्ट लिया फिर दूसरा सेट, चाहे वो कैसे ही परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो अपने पहले सेट से बेकार ही परफॉर्म करके आ रहे हो। तो गाइज आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप जब भी वर्किंग सेट में जा रहे हो, वर्किंग सेट का मतलब है वो आपके 75 से 80% 1 रैप मैक्स पे आप कम से कम 8 से 9 रैप निकालोगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए कम से कम हमारी बॉडी को 2 से 2.5 मिनट लगते हैं पूरी तरह रिकवर होने में, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो इसलिए गाइज रेस्ट बिटवीन द सेट्स अपने वर्किंग सेट में खासकर 2 से 3 मिनट का होना चाहिए, अगर आप ढंग से एफर्ट लगा रहे हो। और मैं यहाँ पे वर्किंग सेट्स की बात कर रहा हूँ, वार्म अप सेट की और फीडर सेट की बात नहीं कर रहा। गाइज थर्ड टिप बहुत बेसिक टिप है कि आपको हमेशा जो भी मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो वो बिल्कुल प्रिसाइसली परफॉर्म करनी है, एक्यूरेटली परफॉर्म करनी है। मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा एक चीज़ कि जब भी जिम जाते हो, अगर आपको एक्सरसाइज करना नहीं आता, अगर आपको नहीं पता कि आपके मसल्स उसको कैसे परफॉर्म करें, तो पहले उसको सीखो, ना कि वेट को बियर करो। तो गाइस इसलिए ज़्यादातर इंजरीज इसलिए भी होती हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उस जो वेट को वो बियर कर रहे होते हैं, जिस वेट से वो ट्रेन कर रहे होते हैं, उससे वो गलत वे में परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब उनका पोस्चर सही नहीं होता, उनके जो मसल जिस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो गाइस इसलिए अपनी मूवमेंट जो है उसको करेक्ट करो पहले, उसके बाद ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ जाओ। गाइस फोर्थ टिप है कि आपको कभी भी ऐसे मसल ग्रुप को दोबारा ट्रेन नहीं करना अगर वो प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं हुआ। मान लो कि मैंने मंडे को ट्राइसेप ट्रेन करे थे और मेरे मंडे को ट्राइसेप अच्छे खासे सोर हो गए थे, और मैं अगर वेडनेसडे को दोबारा उनका एक और रूटीन आ जाता है, या फिर चेस्ट का रूटीन मेरा वेडनेसडे को है, मगर अब क्या होता है मेरे ट्राइसेप जो है वेडनेसडे को भी सोर है, तो मैं चेस्ट भी नहीं कर सकता ना ही ट्राइसेप कर सकता हूँ। अगर मैं करने की कोशिश करूंगा ना तो मैं उसमें 100% एफर्ट लगा पाऊंगा, क्योंकि मेरे जो ट्राइसेप मसल है अभी तक सो रहा है, मेरे मसल फाइबर्स पूरा का पूरा फोर्स नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस दिन भी। तो इसलिए कोशिश करो, अगर आपका जो भी मसल ट्रेन करना चाह रहे हो आप उस दिन, अगर वो सोर है फिलहाल, तो उसको ट्रेन मत करो, उसकी जगह कुछ और मसल ग्रुप ट्रेन कर सकते हो या फिर उस दिन रेस्ट ले सकते हो। अगर आप ट्रेन करने की ज़बरदस्ती कोशिश करोगे
तो इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके मसल फाइबर पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं और वो ज़बरदस्ती फोर्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है वो और वियर एंड टीयर हो जाए, उनमें और इंजरी हो जाए। गाइज, लास्ट टिप मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, और वो है स्ट्रेचिंग। आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, खासकर वर्किंग सेट्स में, हमारे वर्किंग सेट्स जब भी हाईएस्ट एफर्ट हम लगा रहे होते हैं तो लैक्टिक एसिड हमारे मसल ग्रुप में जमा हो जाता है, जो कि टाइटनेस होती है। तो उस टाइटनेस को रिमूव करने के लिए आपको हमेशा अपने वर्किंग सेट्स में खासकर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। जो आपका रेस्ट पीरियड है मान लो 2 से 3 मिनट का, उसमें स्ट्रेचिंग करो, ताकि जो आपका लैक्टिक एसिड जमा हो गया है वो रिमूव हो पाए और आप अपने फर्दर सेट्स में और अच्छा एफर्ट लगा पाओ। अगर आपके मसल टाइट ही रहेंगे तो आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड आपको मूव करने नहीं देगा ढंग से वेट को। तो गाइस, इसलिए स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो आपको इंजरी ना हो जिम के अंदर। गाइस, लास्ट और एक बोनस टिप मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ गाइस, ये है वार्म अप सेट्स। अब सबको पता है वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है एक्सरसाइज करने से पहले। अगर कोई नहीं करता तो मैं उसको बता दूँ, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर हमारे जॉइंट्स के लिए। अगर आप एकदम से हैवी वेट पर जाते हो तो बहुत ही जल्दी आपको इंजरी हो जाएगी। तो गाइस, मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा एक चीज़ कि जब भी कंपाउंड एक्सरसाइजेस करते हो, जैसे कि मान लो लेग डे पे आप लेग प्रेस कर रहे हो या स्क्वाटिंग कर रहे हो, उससे पहले वार्म अप करो। वार्म अप का मतलब ये नहीं है कि लाइट वेट पे ज़्यादा रैप निकालना, वार्म अप का मतलब है एक सफिशिएंट वेट लेके, एक मॉडरेट वेट लेके, जो कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो, उससे कम से कम 15 से 20 रैप निकालो, और वो भी प्रॉपर फॉर्म में। ये सोचो कि आपका वो वर्किंग सेट ही है, तो उसका जो मेन रोल है वो है कि उससे आपके मसल ग्रुप में ढंग से ब्लड फ्लो चलने लग जाए, साथ के साथ आपके जो जॉइंट्स है वो ढंग से वार्म अप हो जाए, ताकि जब आप वर्किंग सेट में जाओ आपके मसल फाइबर्स ढंग से फोर्स जनरेट कर पाए। अगर आप ढंग से वार्म अप नहीं करोगे तो आपके जो मसल फाइबर्स हैं वर्किंग सेट में ढंग से फोर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है ज़्यादा वेट की वजह से आपको इंजरी हो जाए। और गाइज, ऐसा नहीं होता कि एक सेट वार्म अप करना चाहिए, 2 सेट वार्म अप करना चाहिए, वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है और जहाँ पे आप रह रहे हो उस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ठंडी जगह रह रहे हो तो आपको ज़्यादा वार्म अप करना पड़ेगा, अगर आप समर में देखोगे तो समर में कम वार्म अप करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गर्मी होती है। मगर गाइज, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि जब भी मैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे जाता हूँ तो मुझे कम से कम 3 से 4 सेट लगते हैं वार्म अप करने में सफिशिएंटली, उसके बाद ही मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करता हूँ, वेट इंक्रीज करता हूँ अपने कंपाउंड लिफ्ट्स पे। तो गाइस, इसलिए वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है ढंग से, तभी आपके जॉइंट्स हेल्दी रह पाएंगे और ढंग से आप मसल आपके ग्रो कर पाएंगे। तो गाइस, ये कुछ टिप्स थे, अगर आप इनको ढंग से अप्लाई करोगे तो गाइस मैं आपको एक 100% श्योरली कह सकता हूँ कि आपको कभी इंजरी नहीं होगी जिम के अंदर, और आप देखोगे कि आपके जो मसल्स हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो करने लग जाएंगे। सो आई होप गाइज कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड गाइज सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक।